तो हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज जा रहे हैं हम लच्छीवाला नेचर पार्क, देहरादून हरिद्वार वाले रास्ते पर है, जो देहरादून हरिद्वार हाईवे है ना, तो उस पे पड़ता है लच्छीवाला नेचर पार्क। तो चलो चलते हैं अभी। तो अभी आ तो चुके हैं लच्छीवाला नेचर पार्क है, इसका मैन एंट्री गेट पार्क का, नेचर पार्क का। और आप मेरे सामने ऊपर एक हाईवे चमक रहा होगा, वो है देहरादून हरिद्वार हाईवे, तो इस वाले रोड पे ही पड़ता है। और आपको मेरे लेफ्ट साइड में चमक रहा होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे टिकट काउंटर, यहाँ पे जो पार्क है ना इसकी टिकट मिलते हैं यहाँ पे। पहले आपको टिकट लेना है, फिर जाना है अंदर। तो अभी हमने टिकट ले चुके हैं, अब चलते हैं हम पार्क के अंदर साइड। अभी तो आ चुके हैं हम पार्क के अंदर, और आपको मैं लेफ्ट साइड में यहाँ पे देख रहा होगा यह पार्किंग एरिया, और सामने की साइड है पार्क। तो अभी लगाई है गाड़ी पार्किंग में, अब गाड़ी पार्किंग में चलेंगे अंदर की ओर, और देखते हैं कैसा है। वैसे अभी तक मैं पहली बार आ रहा हूँ यहाँ, मेरे को पता भी नहीं, वैसे मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी थी इसकी, तो देखते हैं चलो कैसा है पार्क। तो अभी टिकट भूल गई थी गाड़ी में, तो टिकट लेने आए हैं, अब देखते हैं वहाँ पर रखे टिकट। तो ये यहाँ पे टिकट आपको समझ रहे होगे 320 रुपये का, 80 रुपये का एक टिकट है इसका, और ये अलग से पार्किंग का है, 40 रुपये पार्किंग का अलग से टिकट होता है यहाँ पे। वापस में पर्ची देके जाना, वापस जा सकते हैं श्रीमान। तो यहाँ पे एंट्री की अच्छा बना रखा है, यहाँ पे लिख रहा है साइड में लच्छीवाला नेचर पार्क। तो अभी हो चुका है पार्क के अंदर, यहाँ पे तीन रूट जा रहे हैं, ये देख रहे हैं कौन से वाले से जाना है। यहाँ से अंदर आए थे, एक वाला जा रहा है इधर, एक जा रहा है इधर, एक जा रहा है इधर, तो भी पहले इधर चलते हैं। तो अभी चलते हैं इस साइड अंदर, देखते हैं पे क्या क्या है, मतलब जैसे एंटर करें ना, तो यहाँ पे जैसे जू होता है ना, जू जैसे लग रहा है, जैसे जू में एंटर कर लिया हो। तो अभी यहाँ पे आई है, यहाँ पे एक छोटा सा पार्क है, और कुछ यहाँ पे फोटो लोकेशन भी है, आप देख सकते हो यहाँ पे हट बना रखो है काट काट के फूलों के पेड़ों का। और ये रहा, तो आप देख सकते हो कितना सुंदर है ये, तो यहाँ पे देख सकते हो लाला जी बैठा रखे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पानी के यहाँ पे आसपास तो पानी, और बीच में एक मूर्ति है। तो अभी और आगे की साइड चलने लग रहा है, आगे देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है आई लव देवभूमि उत्तराखंड, यहाँ पे लिखा है ना देवभूमि उत्तराखंड, इसके साइड में यहाँ पे है धरोहर म्यूजियम। आप चलते हैं इस म्यूजियम के अंदर और देखते हैं क्या क्या है इस म्यूजियम के अंदर।
कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर एंड टेक्नोलॉजी दैट क्रिएट नेचर पार्क में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है आज का दिन आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आज आप देखेंगे कि जब प्रकृति और टेक्नोलॉजी एक साथ मिल जाते हैं मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको ये दुनिया दिखाने के लिए। मतलब जो कपड़े पहनते हैं ना वो इस टाइप की यहाँ के ड्रेस हैं, इस टाइप का यहाँ पे कुछ तो कुछ औजार और बर्तन रखे हुए हैं। तो यहाँ पे लिखा है हमारी धरोहर हमारा गर्व। तो अभी आगे म्यूजियम से बाहर मतलब पूरा म्यूजियम देख लिया है और यहाँ पे वो चीज़ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अब देखते हो क्या क्या है यहाँ पे। यहाँ पे एक बोर्ड लगा है बोटिंग का, तो जो ये वाला ये रास्ता जा रहा है बोटिंग की साइड में, इस साइड में होती है बोटिंग। आगे दो रूट हो रहे हैं, एक जा रहा है इधर और एक जा रहा है इधर। यहाँ पे लिख रहा है बोटिंग, तो बोटिंग वाला जा रहा है इधर। तो आप यहाँ का रूट देख सकते हो कितना सही है। इधर जंगल, बीच में छोटा सा एक रास्ता। तो अभी इसी वाले रास्ते पर आगे साइड जाने लग रहे हैं, पता नहीं कितनी देर में आएगी बोटिंग। अभी तक 200-300 मीटर तो अभी अराउंड चल लिए होंगे और अभी कुछ चमक नहीं रहा है, भाई जंगली चमक रहा है और सामने रास्ते चमक रहे हैं। तो अभी देखते हैं और कितने टाइम लगेगा पहुंचने में। तो फाइनली पहुंच चुके हैं इतना लंबा ट्रैक तय करने के बाद। देख सकते हो वहाँ पे कितना अच्छा इन्होंने गार्डन पार्क बनाया हुआ है ये। आप इस वाले एरिया में उठते हैं बोटिंग, तो यहाँ पे बोट भी खड़ी हुई है। तो आज मतलब बोटिंग नहीं हो रही है, वैसे रोज सोचते हैं पर आज हमारी आज ही नहीं हो रही है। तो एक तालाब इधर की साइड में है और एक तालाब इधर की साइड में है। तो जो इधर से दो तरफ पानी डिवाइड हो रहा था ना, एक तो आता है इस साइड, एक जाता दूसरी साइड। तो जो इस साइड पानी आ रहा है तो आप देख लो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और ये इधर से जा रहा है इस साइड में और यहाँ पे कुछ चेयर्स लगी है और यहाँ पे फाउंटेन्स होता है। यहाँ पे देख सकते हो कितने पाइपें लगे हुए हैं यहाँ पे फाउंटेन के लिए, जिससे मतलब फाउंटेन के अंदर पानी आता है। तो आप इस साइड देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने एक हाथों की उंगलियाँ धरती में से निकलते हुए बना रखी है, इतनी अच्छी लग रही हो रही है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो और यहाँ पे जो पुल है इसके बीच में बना रखा है उन्होंने एक फोटो लोकेशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रिज और आप इधर से देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ये। तो ये वाला एरिया टोपेरी गार्डन का। ओह माय गॉड, आप देखो
मेंढक बता रखा है, मेंढक मेरा मेंढक कॉफी पी रहा है, मेरा मेंढक बैठ के कॉफी पीने लग रहा है आराम से। तो आप यहाँ के पेड़ों का डिजाइन देख, तो हमारे वहाँ तो रहते हैं शुद्ध एकदम प्लान पेड़, और यहाँ पे क्या डिजाइन आ रहा है पेड़ों में, और देख सकते हो ये असली के पेड़ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वाले। पेड़ के अलग डिजाइन देखने को मिलेगा, इसके उन्होंने छह गमला सा बना रखा है पेड़ का, ये भी गमला सा बन रहा है, ये क्या चीज आ रहा है यहाँ पे, मैंने तो ऐसे अभी तक देखा नहीं। और ओ उधर से जाकर देख सकते हो, दीवार तोड़ के हत्या आ रहा है बाहर, दीवार तोड़ कर हत्या बाहर निकल गया। अच्छा दृश्य आ रहा है यहाँ पे, एक रेस्टोरेंट है काफल फूड कोर्ट के नाम से, तो इसके अंदर चल के देखते हैं क्या पे है यहाँ। इन्होंने एक छोटा सा, मैं तो छोटा तो नहीं कह सकते, ठीक ठाक ही रेस्टोरेंट बना रखा है लच्छवाला के बीच में। तो अब यहाँ के रेस्टोरेंट से आइए बाहर, मतलब सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ के रेस्टोरेंट पे जो आपको चाहिए, मेरे को तो लगता नहीं कोई सी ऐसी चीज़ हो। तो अभी ये पूरा हम एक्सप्लोर करके आ चुके हैं वापस, तो यहाँ पर गेट है ना, हम इस गेट से आगे उस साइड को निकल गए थे, उस वाली साइड को आगे यहाँ पर इसका गेट, यहाँ पे लिखा है लच्छवाला नेचर पार्क, और यह है पूरा लच्छवाले का मैप जो जहाँ पे सारी चीज़ें हैं ना, ये सारे इसका मैप है यहाँ पे, ये रहा लच्छवाला मैप। और यह माच गया अपने पार्किंग के साइड, वो खड़े अपने वाले गाड़ी पार्किंग, और यहाँ पे लच्छवाला में पार्क में एंटर होने का गेट, और ये वाला जो वाला रास्ते जा रहा है ना, जा रहा है अंदर एक साइड, और इस वाले रास्ते पे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा लिखा है हाथी बाहुबल्य क्षेत्र है, आगे जाना सख्त मना है। तो ये वाला रास्ता है, ये वाला रास्ता जा रहा है जंगल में आगे साइड, तो आप ही जाना सख्त मना है, अगर आप जाना चाहते हो रिक्स लेके अपना, तो आप हत्तों से हेलो हाई करके आ सकते हो, ये वाला रास्ता सीधा जा रहा है, गाड़ी लेके पहुँच जाओ सीधा जंगल में अंदर की साइड। तो अभी आ गया पार्किंग के साइड, तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगो, आज का व्लॉग अच्छा लगो व्लॉग कर दीजिए लाइक, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, बाय।